हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द नंबर सिस्टम इन द लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशंस ऑफ द नंबर सिस्टम इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल तो पहला लेक्चर आप जरूर देखिए क्योंकि ये पूरा एक फ्लो में क्लासेस है सो द सेकंड टॉपिक इज कन्वर्टिंग इनटू द फ्रैक्शन अब आप सोचेंगे कि मैम हमें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू हमारे पास है तो हम आराम से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं like, लाइक अगर मैं आपसे बोलती हूँ बाई हंड्रेड इसको आगे भी अगर आपको कैंसिल आउट करना है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं अगर मैंने आपसे बोला 3.21 तो आप बोलेंगे मैम इसको तो हम 321 ट्वेंटी वन पॉइंट हमने हटाया तो डिवाइडेड बाय वन इट नॉट द डिफिकल्ट टास्क बच्चे मैं बात कर रही हूँ कन्वर्टिंग जो आपके पास रैशनल बट रिपीटेड वाले होते हैं वो वाले फ्रैक्शन वो वाला रैशनल नंबर जो आपका टर्मिनेट नहीं होता बट वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है उनको अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे काफी बार मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में और एंट्रेंस एग्जाम में उस रिलेटेड क्वेश्चन देखा है और मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं बताने वाली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपका जो मतलब कन्वेंशनल अप्रोच को छोड़ के जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होता है जो लॉजिकल अप्रोच होता है उस पर मैं बताऊंगी क्योंकि ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और जो मैंने उसका ट्रेडिशनल से शॉर्टकट बनाया मतलब शॉर्ट लॉजिक शॉर्टकट नहीं शॉर्ट लॉजिक बनाया वो पूरा ऐसा है कि देखो शॉर्टकट क्या होता है शॉर्टकट कभी कभी फेल हो जाते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन में लगते हैं बट जब वो शॉर्ट लॉजिक्स की बात करते हैं तो वो लॉजिकल सब पे काम करेंगे जैसे अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ मैंने आपसे बोला फोर पॉइंट टू 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 एंड सॉन अगर आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो दिस इज द टाइप ऑफ द रैशनल नंबर टेड बट रिपीटेड इट इज फॉलोइंग पैटर्न तो इसको पहले आप लिख लीजिए फोर पॉइंट पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है बच्चे जो कंटिन्यूसली आपका रिपीट हो रहा है जो आपका कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है जो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है दैट इज टू ओनली तो मैंने फोर पॉइंट टू के ऊपर बार लिखा अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे पहले आप पूरा कंप्लीट नंबर लिखो दैट इज फोर्टी टू माइनस करिए बार से पहले वाली डिजिट कितनी है फोर डिवाइडेड करो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो इसके लिए एक सिंपल हम नाइन लगाएंगे तो फोर्टी टू ये हो जाएगा थर्टी एट अपॉन नाइन तो थर्टी एट अपॉन नाइन की जो वैल्यू होगी वो फोर पॉइंट टू 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 होगी मैं आपको एक ड्लिप्स दे देती हूँ कि आता कैसे है देखो अगर आप इसको x की वैल्यू को लेते करते हो तो टू .22, 22, so तो टू तो और यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाता है तो ये वैल्यू बची फोर्टी टू माइनस फोर सो दल्टीमेटली यही रिजल्ट आया ना फोर्टी टू माइनस फोर अपॉन नाइन तो हम बच्चे इतना लंबा नहीं करेंगे मैं आपको गिन के सेवन एट एग्जाम्पल्स करवाऊंगी और आपको ये कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जैसे मान लो अगर मैंने लिखा टू पॉइंट ऑफ द रैशनल नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आप इसको लिखिए टू पॉइंट थ्री टू क्योंकि थ्री टू वो डिजिट है जो कंटिन्यूसली एक रिपीटेड पैटर्न में है तो इसके ऊपर हमने ऐसे बार लिखा अब क्या करेंगे विद लाइक विदाउट बार विदाउट डेसिमल एक Complete number आप लिखो, ठीक है? तो without bar और और से पहले वाली डिजिट, divided by, point के बाद दो डिजिट यहां पे और दोनों के ऊपर बार है तो ये हो जाएगा 99 तो तो वैल्यू बनेगी 230 थर्टी अपॉन नाइनटी नाइन जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 4.8717171 एंड सो so ऑन तो बच्चे इसमें जो डिजिट रिपीट हो रही है वो सेवन वन सेवन वन सेवन वन डिजिट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिट रिपीट रही है, तो बार लिखा जाएगा इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे कंप्लीट नंबर विदाउट डेसिमल डेमल विद सेवन वन माइनस करेंगे बार से पहले वाली डिजिट विदाउट डेसिमल विदाउट डेसिमल डिवाइडेड बाई माइनस फोर्टी पॉइंट के बाद तीन डिजिट है दो डिजिट के ऊपर बार है तो जिनके ऊपर बार है उनके ऊपर नाइन नाइन और जिस वैल्यू के ऊपर बार नहीं है जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसके लिए जीरो मतलब टेन तो ये वैल्यू जाएगी इलेवन माइनस एट इज थ्री सिक्स माइनस फोर इज टू तो फोर एट टू थ्री डिवाइडेड बाई नाइन नाइन जीरो ठीक है आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा लाइक अगर मैंने लिखा फोर पॉइंट सेवन टू थ्री फाइव थ्री फाइव थ्री फाइव एंडस ऑन तो अगर आप इस वैल्यू को लिखते हो तो दिस इज फाइव पॉइंट सेवन टू थ्री फाइव के ऊपर माइनस करिए बाहर से पहले वाली वैल्यू विदाउट डेसिमल डेसिमल का कोई यूज नहीं है क्योंकि डेसिमल तो हटाना है ना अगर आपको याद भी ना रहे तो खुद सोचो फ्रैक्शन में डेसिमल नहीं लाना है तो डेसिमल का कोई यूज नहीं पॉइंट के बाद चार डिजिट है दो डिजिट के ऊपर बार तो उनके लिए 99, और दो डिजिट सिंपल है, उनके लिए डबल जीरो जैसपोज मैं और एग्जाम्पल देती हूँ मान लो मैंने लिखा एट पॉइंट सेवन टू थ्री 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 एड्स ऑन तो हम इसको पहले लिखेंगे कैसे एट पॉइंट सेवन टू थ्री के ऊपर बार है राइट तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीट नंबर एट सेवन टू थ्री माइनस बार से पहले वाली डिजिट डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद तीन डिजिट है एक के ऊपर बार उसके लिए नाइन और दो सिंपल डिजिट तो उनके लिए जीरो जीरो मतलब टेन इंटू टेन तो ये हो जाएगा नाइन हंड्रेड

पैटर्न बना रही उसके ऊपर बार लगा के लिखो नाउ कंप्लीट नंबर बार से पहले वाली वैल्यू पॉइंट के बाद तीन डिजिट तीनों के ऊपर बार तो उनके लिए लिखेंगे हम लोग ट्रिपल नाइन तो ये जाएगा सिक्स ये सिक्स हो जाएगा यहाँ पे और नाइन एट डिवाइडेड बाई द ट्रिपल नाइन तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ उसको वट यू हैव टू डू फर्स्ट उस रैशनल नंबर को आप बार के फॉर्म में लिखो बार केवल उस डिजिट के ऊपर आएगा जो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है जो रिपीट हो रही है उसके बाद कंप्लीट नंबर माइनस करो बार से पहले वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद जितनी डिजिट के ऊपर बार है नाइन्स यूज करने हैं और जिसके ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद उसके लिए जीरो मतलब टेन यूज करना है ठीक है कंप्लीट नंबर माइनस बार से पहले वाली डिजिट डिवाइडेड बाई बार वाली वैल्यू के लिए नाइन और विदाउट बार वाली वैल्यू के लिए जीरो सिंपल सा तो आप ऐसे रैशनल नंबर को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो आई होप आपको इसको समझ में आए आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो मैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपलोड कर दूंगी सो थैंक यू सो मच गाइस बाय बाय टेक केयर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो